अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ हमारे रूटीन का आगाज हो चुका है। दुआ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमाए, आमीन या रब। तो इसी के साथ हमारा आज का ये खूबसूरत व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा व्लॉग जो है ना वो फार्म हाउस से शुरू हुआ है। क्या हुआ मेरे बच्चे को, गर्मी लग रही है? मिला के कपड़े उतार दिए, कोई बात तो करो। हमारी मुर्गियों का एक नया सेटअप बनाया, एक नया हाउस बनाया यहाँ पे फार्म हाउस पे। और यहाँ पे ना लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं, क्योंकि ये जगह ना पहले से ज्यादा जो है वो खुली खुली भी है। और यहाँ से देखिए चारों तरफ से हवादार भी है, सारी जो है ना इस साइड से नेट लगी हुई है। और जो सूरज की साइड है वो यहाँ से ऐसे बंद है, इस साइड से सारी नेट लगी हुई है, हवादार है इनके लिए। और ये जो पैप लगे हुए ैं सारे पैप, हाँ पैप पे अभी चढ़ के बैठ भी गए हैं। ये अपने आप बोलूँ तो संतोष करती है पैप्स पे बैठ के, जैसे अभी ये बैठे हैं। चलो हनी आ जाओ, छोटे छोटे चिक्स भी हैं इनके अंदर। हनी वो भी कोई, वो जो व्हाइट वाला बैठा है छोटा सा, इस व्हाइट को आज मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। कितना क्यूट है ना वो भाग गया। वो देखो ये भी भाग गया, वो अपनी मम्मा के साथ बैठा है। हानिया हानिया देखो मैंने पकड़ लिया छोटा सा, दिखाए ये देखो उसको, भाग गया। छोटे चिक्स यहाँ पर, एक डक का बेबी भी है यहाँ पे। अब हम आ गए हमारी बच्चें देखने के लिए, वो जा रही है, वो हानी आ जाओ नहीं है। माशाल्लाह से ये खजूरें देखें, अच्छा खजूरें जो है ना वो पकी हुई भी हैं, तो हम वो भी देखने आए हैं। और आज हमारा जो है ना वो शायद लास्ट डे ही होगा, फर्स्ट डे ही होगा, लास्ट डे भी होगा, क्योंकि इसके बाद जो है ना यहाँ पे फिर काम वाले जो वर्कर हैं वो आ जाएंगे, खजूरें तोड़ने का टाइम आ जाएगा। इसलिए आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप लोग आ जाओ, अब एक दिन जो है ना आप वहाँ पे स्पेंड कर लो, उसके बाद ना फिर अभी आप लोग नहीं आ सकते। तो इसलिए आज मैं बच्चे सारे आ गए, वैसे काफ़ी टाइम से बच्चे भी नहीं निकले थे। और यहाँ पे माशाल्लाह मैं देख के मुझे खुशी हो रही है कि ये देखें सारा जो खजूर का ये पूरा पेड़ ना कैसे लदा हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पर गाय जो है वो चारा खा रही हैं। अच्छा ये जो है ना ये हमारी उस बकरी का बच्चा जो पहले हमने आप सबको दिखाई थी, और वो बहुत छोटा था उस टाइम, देखें अभी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया। और माशाल्लाह ये खजूरें देखें, इनका जो दाना है ना ये बहुत बड़ा है। और यहाँ जहाँ पे भी मैं देख रही हूँ ना खजूरें ऐसे लदी हूँ ना, तो मेरा दिल खुश हो रहा है कि अल्लाह पाक बरकत दें और हमारा ये जो छोटा सा बिजनेस है ना वो बड़ा हो जाए इंशाल्लाह, आमीन या रब। और यहाँ से भी देखें माशाल्लाह, और इस साइड से भी देखें। मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, और आज जैसे मैं बता रही हूँ दोबारा से कि जैसे अब ये खजूर की चुनवाई का काम शुरू होगा तो फिर हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा अंदर आ गई हूँ खजूरों वाली साइड पे कि मैं देखूँ और आप सबको भी दिखा सकूँ। इतनी खुशी है कि इतने सारे अंडे निकाले उन्होंने, माशाल्लाह ये हमारी बतखों के अंडे हैं, काफी सारे अंडे हैं माशाल्लाह यहाँ पे, और एक ही जगह पे इतने सारे जमा हुए पड़े हैं बतखों के। अच्छा ये वाली जो जगह है ना यहाँ पे हमारी बतखें रहती हैं। अच्छा ये वाली जो खजूर है ना ये यहाँ मस्जिद के साथ है, यहाँ पे छोटी सी मस्जिद बनी हुई है नमाज पढ़ने के लिए। और ये जो है ना ये बिल्कुल मस्जिद के साथ है, अजवा की खजूर है। और माशाल्लाह इसका जो कलर है ना वो भी चेंज हो गया, रेड कलर में है ना ये, अभी थोड़ी 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 ग्रीन है, थोड़ी रेड में ऐसे हो रहे। और इनके ऊपर सेफ्टी के लिए ना नेट लगा दी गई ताकि ये महफूज रह जाए। इसको देखो कैसे मोना ने बिठा दिया इसको बेल्ट लगवा के, अब ये खुद बैठना चाहती है। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आ जाओ। हाफ पकी हुई है हाफ नहीं, देखिए आपने, आपने खाई है? नहीं खाई, चलो खाते हैं ताज़ा ताज़ा हमारे फार्म हाउस की खजूरें। आ जाओ तमन्ना अभी, सबसे पहले मलाक ने खानी है खजूरें। मलाक ये आ गई मलाक के पास प्लेट खजूरों की, हमारे फार्म हाउस की खजूर सबसे पहले मैं बिस्मिल्लाह करके खा रही हूँ, अल्लाह पाक बरकत दे इंशाल्लाह। यहाँ पर हमने बनाया एक छोटा सा अपना सेटअप, और अभी मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्पेशल, थोड़ी देर तक मैं आप सबको बता दूंगी कि मैं क्या बना रही हूँ।
यहाँ पर ना मैंने प्याज टमाटर और हरी मिर्ची कट कर लिए और आज मैं बनाने वाली हूँ भेलपूरी। काफ़ी दिनों से मैं सोचती थी कि फार्म हाउस पे जाकर मैं भेलपूरी बनाऊंगी, तो बस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं भेलपूरी बनाना। अच्छा, पफ्ड राइस डालने के बाद ना यहाँ पर है मेरे पास दाल भिजी और ये इंडिया का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हमारी मज़ेदार चटपटी भेलपूरी बनके तैयार हो गई है। अच्छा, हरा धनिया जो है ना वो मैं भूल गया, वो मैं नहीं लेकर आई, और काला नमक भी घर पे था लेकिन मैं नहीं लेकर आई, भूल गया वो भी मुझे अभी साथ। तो साथ ही एक फार्म हाउस है वहाँ से हमने पता किया कि हो सकता है हरा धनिया हो वहाँ पे, लेकिन वहाँ से भी हमें नहीं मिला। तो खैर, हरा धनिया और काले नमक के बगैर हमने ये बनाई लेकिन बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बन गई। यहाँ पर भी है और इसके अलावा इसमें भी है। अच्छा, अभी ना मैंने बच्चों को कहा है कि मैंने यहाँ पर लगा दिया स्टॉल और आज मैं भेलपूरी बेचने वाली हूँ, जिसने जितनी भी लेनी है। तो सबसे पहले हानिया आ गई। हानिया को मैंने कहा जाके पहले 5 रियाल लेकर आओ, स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, मैंने अपना एक ढाबा स्टाइल बनाया हुआ है। हानिया ने कहा है कि मैं घर चल के आपको 5 रियाल दूंगी, और 5 रियाल मुझे मुस्तफ़ा देगा, 5 रियाल मुझे मोना देगी, है ना। मोना से मैं 10 रियाल लूँगी, 10 रियाल मोना से इसलिए लूँगी क्योंकि इसे चटपटी चीज़ें बहुत पसंद है और इसकी फेवरेट है। चलो हानिया, सबसे पहले लेगी हानिया, और हानिया ने घर जाके मुझे देने हैं 5 रियाल। कहाँ गए वो 5 रियाल? ये लो हानिया, जल्दी से ना वहाँ पे जाओ, बैठो झूले पे बैठ के अपनी भेलपूरी खाओ। घर चले, मैं आपको 1 लाख रियाल दूंगा। अच्छा, मुस्तफा से तो मुझे बहुत ही ज्यादा मिलने वाले हैं। भेलपूरी खाओ और बताओ फिर कैसे बनी। ओके, हाथ से खाओ? हाथ से नहीं खानी, चम्मच से खानी। यहाँ पे देखो चम्मच है इधर। ये क्या हो रहा है मोना, चोरी की जा रही है मेरी? हाँ, जब मैं वहाँ पे बेच रही थी आप लेने आई नहीं, और अभी आप चोरी करने आ गए हो। यहाँ पे एक प्यारी सी कैट भी आ गई है। मैं बना रही थी भेलपुरी और माशाल्लाह मोना ने ये देखें यहाँ पर कहवा बना लिया, और वो भी लकड़ियों पे बनाया है। तो भेलपुरी के साथ साथ अभी हम यहाँ पे कहवे का मजा भी लेते हैं। फार्म हाउस की ये खूबसूरत शाम, भेलपुरी और ये गर्मा गर्म चाय, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। हवा इतनी ठंडी चल रही है ना, इतना अच्छा लग रहा है मुझे अभी यहाँ पर चलते हुए। अभी मैं फ्री हुई, मैंने कहा जाके मैं मलाक को उठाऊँ, मलाक को मैं थोड़ा सा फार्म हाउस दिखाऊँ। अच्छा, पहले जब हम आए ना तो गर्मी थी, लेकिन अभी मगरब की अजान के बाद बिल्कुल ना यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो गर्मी वाली जो फीलिंग है ना वो आ ही नहीं रही। बहुत ही ज्यादा चटपटी बनी है भेलपूरी और स्पाइसी भी है, तो अच्छा लग रहा है खा के। और साथ ही साथ जो है ना मैं चाय भी पी रही हूँ यहाँ पे। आ जाए जल्दी से, हमने भेलपूरी भी बना ली है और ये भी अपने काम से ना फारिग होके आ जाए। अब खा के बताएं, ये हमने बनाई है इंडियन भेलपूरी कि कैसी बनी है। वो ना ये मुझे दो मलाक, उठो आप सबको कोल्ड ड्रिंक दो और बस फिर हम घर चलते हैं। ये ना लाइट चली गई, अभी इसको डर लग रहा है, अभी कह रहे जल्दी से घर चलें बस। हानिया जिन आ रहे हैं, हानिया को ना मुस्तफ़ा और तमन्ना डरा रहे हैं कि जिन आ रहे हैं, और ये बेचारी कब से ये डरी हुई है, मुझे छोड़ ही नहीं रही। बस अब जल्दी से अपना जो सामान है वो समेटते हैं और फिर हम निकलते हैं मदीना मुनव्वरा के लिए, है ना मलाको। हानिया हटो आगे से, जल्दी से सामान रखो। हमारे आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करने लगी हूँ। हमारा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। हमें काफ़ी देर यहाँ पर बैठना था, हमें और कुकिंग भी करनी थी, खाना बनाना था, लेकिन मगरब के बाद ना लाइट चली गई तो इस वजह से अभी हम जा रहे हैं घर। लेकिन हमने भेलपूरी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत मज़े की थी, हमने फर्स्ट टाइम ये खाई है और सबको बहुत अच्छी लगी, चटपटी मज़ेदार बनी थी। तो बस इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी ढेर